दीदी ये रही ट्यूशन पढ़ा रही है अभी। हेलो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी पी रहे हैं चाय और साथ में ये रस रस नहीं है, ये फैन है। चाय और फैन खा रहे हैं अभी। वंशु अभी अभी उठा, थोड़ा बहुत रो रहा है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और आज तबीयत थोड़ी ठीक है, 10% ठीक हुआ है। अभी भी काफ़ी डैमेज है अंदर से। हंस क्यों रही है? काफी डैमेज है बोल अंदर तेरे को से। पता है गले में कैसा हो रहा है तुझे? खान ऐसे बोलते आ काफी डैमेज है अंदर से। डैमेज है भाई अंदर से, बहुत भयंकर। अगर अंदर से ठीक है आंखें पूरी वो हो रखी थी, पक रखी थी सुबह। तो गाइस ये है फैन, फैन बोलते हैं। देखिए बहुत टेस्टी होते हैं चाय के साथ। ओ भाई साहब, इसको ना भूख लगी हुई ना, क्योंकि ये कल जल्दी सो गया था, कुछ नहीं खाया इसने रात को। है पराठा आधा। किस टाइम रात को कितने बज रहे थे जब उठाई? मैंने खिलाया उसे पराठा। उसके बाद इसने पराठा खाया जब मैं सो गया था। फिर मैं भी सो गई। फिर ये दोनों पता नहीं क्या कर रहे थे भाई रात भर। जब डांटा तब जाके सोए दोनों को दोनों। मैं तो सो गया था, मेरी तो हालत टाइट थी। फैन कैसा हो रहा? अच्छा। तो गाइज अभी 10:30 बज गया है, अभी तक मैं बिस्तर पे ही हूँ। तो अब बाहर चलता हूँ, थोड़ा हाथ मुंह धुलता हूँ, देखते हैं बाहर कैसा मौसम है। वंशु तो बाहर चला गया है, शानू भी बाहर चली गई है, सफाई कर रही है बाहर। श्रियांश मेरे साथ ही है, यहाँ पे लगा हुआ मोबाइल में गेम देख रहा है। तो चलो जरा बाहर का व्यू दिखा देते हैं आपको, बाहर क्या क्या हो रहा है। धूप आ रही है, वंशु बाहर से बोले धूप आ रही है। चलो देखते हैं, हम भी देखे धूप कैसी आ रही। ठीक है, क्या हो गया गंदा? तो गाइस हमारा लेंटर हो रहा बहुत गंदा, तो शानू आ गई है झाड़ू लेके, पूरा साफ करेगी। जब से गांव गए तब से घर की रखवाली नहीं हो पाई, आज मौका है साफ करने का। वाह, साफ कर लेंगे। देखो कितना गंदा हो रहा है, ये देखो पूरे पत्ते पुत्ते उड़ के आ रखे। वंशु भी आ गया खेलने, वो ईंटे वहां लगा देना सारी ना। तो अभी देखिए गाइस, ये वाला गेहूं का खेत है, कितना हरा भरा हो गया, कोहरा लगा हुआ है चारों तरफ। ये ओ तेरी, तो अभी पूरी छत साफ हो गई है। पता नहीं रेत क्यों निकलती है हमारी छत से यार, इतनी सारी रेत निकल गई है, पता नहीं क्यों निकलती है यार इतनी रेत। लेंटर सही नहीं डलाया क्या? दोस्तों अगर आपको थोड़ा भी पता हो ना तो कमेंट करके बता देना कि रेत क्यों निकलती है इतनी लेंटर से हमारे, मतलब रोज निकलती है। जब भी हम इतना झाड़ू लगाते हैं ना, हफ्ते दो हफ्ते में एक बार झाड़ू लगाते हैं ना, तो 1 किलो के आसपास आधा किलो के आसपास रेत निकलता है। देखो मुझे यहाँ एक तार मिल गई, ये क्या नाम है, धागा मिल गया, इसमें पतंग है शायद। है किसका धागा है? रुक जा, पतंग जैसी लग रही है। पतंग? हाँ, कहाँ है ये? कहाँ है पतंग? खींचना, खींचो। पतंग है क्या? पतंग? अरे वाह पतंग है। अरे हाँ सच में, इधर इधर आराम से निकाल। ये हमें पतंग मिल गई, फ्री में पतंग मिल गई। आराम से आराम से, गजब हो गया यार, फ्री में पतंग मिल गई हमें। पता नहीं किसकी रही होगी यार। इधर आओ इधर आओ, चलो वहां पर खेलो। क्या क्या कल उड़ाया इसका धागा? हाँ बहुत वो होता है। वंशु धागा खींचो मत, हाथ कट जाता है। हाँ बहुत तेज होता है धागा, धीरे से खेलो। चलो मैं करता हूँ सही, लाओ। उनसे ने उड़ा दिया, उसने वहां सर लगा दिया। हाँ नहीं क्यों, ये सही तो है, फ्री में मिल गई। हाँ पतंग, पतंग मिलाएंगे, सामान जलाएंगे। हाँ ले आएंगे, चल उड़ा के दिखा, उड़ा तो। ये श्रियांश को फ्री में पतंग मिल गई उड़ाने के लिए। चलो वंशु आप उड़ाओ, अब चलो अब आप उड़ाओ। फंस गया धागा, इधर आओ पापा के पास आओ, बस निकल गई। देखो जाओ उड़ाओ,
ये वंशु उड़ा रहा, गुड, ये वंशु ने उड़ा दी, वाओ भाई साहब, बस हो गया। तो भाई फाइनली पतंग टूट चुकी है, एक घंटे से उड़ा रहा था वंशु और पतंग का हो गया है काम तमाम। और शानू ने खिला दिया है दलिया, तो ये मैंने फिनिश कर दिया, खुद का खाया नहीं उसने। खा ले भाई दलिया वंशु के लिए, वंशु दलिया खाओ, चलो चलो खाओ, हाँ खाओ चलो। तो गाइज अभी हम कर रहे हैं लंच, और आज नाश्ता और लंच एक साथ हो रहा है। तो ये बना है दाल चावल और मैं खा रहा हूँ दाल चाय और रोटी। तो मैं चावल नहीं खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ। आराम से खा, गर्म है अभी ना, आराम से खाओ। मिर्ची, मिर्ची है, मिर्ची चम्मच में, चम्मच में, वो अचार वाली है वो, खाओ। चलो धूप में बैठ के आराम से खाना खा लेते हैं। देखो गाइस दिन के 1 बज रहे हैं, अब ब्रश अब हो रहा है मेरा, शानू अभी खाना खा रही, बैठ गया वहां पे। ये देखा है, मुझे देख देख के ना इनको भी ब्रश करने की याद आ गई। मैं नहीं करता तो नहीं करता ना तुम। ये देखो गाइस वंशु का, श्रियांश का गुल्लक फूट गया। कैसे फूटा है, बाप रे कितने और रखे, तो बहुत और रखे, माय गॉड। देखना इनको ब्रश करने के लिए बोला था, अरे यहाँ गुल्लक को छेड़ने आ गया। चलो हो गया उसका कल्याण, 20 का सिक्का भी इसमें डाला था। तो गाइज अभी दिन के 2 बज रहे हैं, तो यार मैं तो सेलो को ही जा रहा हूँ अभी दीदी के पास, क्योंकि उसको भी टाइम नहीं है आने का और मुझे भी फिर बाद में टाइम लगेगा नहीं, और उसकी समोन देनी बहुत जरूरी है, माँ की समोन दे रखिये। जो तो मैं भी चलता हूँ, टाइम से चला जाता हूँ और टाइम से वापस भी आ जाऊंगा। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ सेले को ही, मैं भी बैठा हूँ धूप में, दीदी पढ़ा रही है बच्चों को ट्यूशन। ये देखो कितने सारे बच्चे बैठ रखे, सब क्लास पढ़ रहे हैं, हाय कर दो सब, हाय कर दो सब बच्चे, हाँ गुड। तो दीदी ये रही ट्यूशन पढ़ा रही है अभी। Hello. ये देखो लविशा, इसको इतना गुस्सा आ रहा है, मम्मी पे चिल्ला रही। लविशा हेलो हाय कुछ नहीं, किचन कड़ा स्वाद कड़ा, मैं तेरे को बता रही, कड़ा मिल गया ये नहीं, अरे बहुत नहीं यार, किसने दिया, बोला थैंक यू सो मच निकिता का, थैंक यू मान गॉड इन बेज नहीं, ये बहुत 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 बड़ा क्या नाच रहे तो सिन रोटना, ये देख रहे हैं घर के रोटने, घर के बिस्कुट है, गढ़वाल के बिस्कुट, गढ़वाल के बिस्कुट। यो दे आप भूखना सी छिन्ना जब तब आओ, यो दे मिलो सी अलग वाल लो खा ना खा तो जैसे गौरे समोंडे तुम्हें क्या, ये मैं भूखा मेरे लोग चूड़ा ये लगा लगी समझता हूँ, बहुत बढ़िया बनाया भाई, मान बनाए इनके इन बनाओ जा, तो जाए ही नहीं अब, तो जाए नहीं जाए, गैर से नहीं जाए, बरकर लगी जाए तो इन जाए जानो प्रोग्राम चो, सी बहुत बढ़िया बनाओ, बहुत टेस्ट हुआ, नहीं मजा आ गया भाई, गौर बने वाले, हाँ हाँ गौर बने, मिली सब ची, है, ये केक को लियो छो अलग दी नहीं माँ को, यू कलियो मन चके नहीं करे, यू अलग छोटी ने टोल भाई सुहानी होने वीडियो है कपड़े बड़ा सुहाना, चल मां के समोन मिली ना तुझे, बस अब मैं चलता हूं वापस अपने घर, तो नल लोड़ा जी नहीं, कितने पैसे थे इलाज के, 94 94 रुपए 2 पैसे 2 पैसे पेटीएम हो जाएगा। ये देखो जब भी मैं आता हूँ ना दोनों नीचे आ जाते हैं, और श्रियांश का तो काम ही यही है, आके ही साइकिल में बैठेगा सीधे, और ये
ये ढूंढता है बोतल, पानी की बोतल। कहाँ? अंदर। चल ले जा अंदर ले जा। तो बैग अंदर ले गया। चलो बुआ को फोन करना ठीक है। हाँ बुआ वंशु को बहुत मिस कर रही थी। तो भाई मैं तो आ गया श्रेला को इसे दीदी से मिलके, तो फटक से दीदी को फोन कर देता हूँ अब कि मैं पहुंच गया हूँ। तो चलो अभी चाय पी लेते हैं। ये देखो वंशु को यार चॉपर चलाना सीख गए रे। वाह नहीं हुआ नहीं हुआ कह रहा। ये देखो इसको भाई साहब देखो पूरा जोर लगा रहा। तो वंशु कर रहा है अभी प्याज चॉप, शानू कर रही है यहाँ पे लहसुन टमाटर और हरी मिर्च की तैयारी। और आज हम बनाने वाले हैं नॉनवेज। शानू के गले में हो रहा है। कल जब मैं कह रहा था ना इसको दही मत खा, तो इसने मेरे पे बहुत बड़ा डायलॉग मारा था। अब अब नहीं खाऊंगी। हाँ नानू वंशु इधर ला यार। तो नॉन वेज बनाने वाला हूँ मैं बनाऊ ना? मैं अपना बनाती। तू बना रही? अरे मैं बना लेता हूँ। क्यों? ठीक है भाई फिर मत बोलना कि नहीं बनाता कुछ। ठीक है अच्छा बनाना का क्या मतलब? जैसा बनेगा वैसा बनाऊंगा। तो बना ले खुद बना ले, मैं रेस्ट कर लेता हूँ। सो गाइस डिनर हमारा रेडी हो गया है। ये नॉन वेज बना हुआ है और ये दिन का भात खा रहे हैं श्रियांश। वंशु भी खा रहा है बैठ के। तो चलो खाते हैं खाना। मैं तो रोटी खाऊंगा केवल। क्या कह रहा? मैं मारूंगा तुमको। तुमको मारूंगा? किसको मारूंगा? किसको मारूंगा? देखो ना इसके नखरे। सो गाइस रात के 9 बज गए हैं, खाना वाना खा लिया है। और आज का स्वास्थ्य अपडेट ऐसा है कि आज काफी आराम है। आज दिन में थोड़ा बहुत आराम भी किया और उसके बाद शाम को मैं सेला को ही चला गया था। ज़्यादा दूर नहीं है, बस आधा घंटे का रास्ता है 10 किलोमीटर के करीब। तो गाइज आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सबका। तो आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइज जल्दी से न्यू ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गुड नाइट।